दोस्तों दोस्तों मैं वीएस गांधी और आप देख रहे हैं गांधी टेक यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको सिखाने वाला दोस्तों जो हमारे पास में दोस्तों समरसेबल मोटर होती है, यानी कि थ्री फेज की एनी भी मोटर मोनोब्लॉक हो सकती है, समरसेबल हो सकती है, कोई सी भी आपकी मोटर हो सकती है ओनली थ्री फेज की। जिसमें दोस्तों ये होता है जैसे कि हमारे पास में एम्पेयर होता है, यानी कि एम्पेयर मीटर होता है। एक होता है दोस्तों एम्पेयर मीटर और दूसरा होता है दोस्तों वोल्टेज मीटर। ठीक है, उस कंडीशन में दोस्तों आपकी जो वोल्टेज जितने प्रॉपर फैले आती थी उतनी ही आ रही, यानी कि 400 आती है या फिर 440, जितना भी आपकी जो वोल्टेज आती है उस पे आपकी जो मोटर है दोस्तों 10 मतलब 17.5 HP की हो, 15 HP की हो, जितना आपका एम्पेयर वो लगभग लगभग फिक्स लेती है। यानी कि जैसे कि मेरी मोटर 17.5 HP की है, 25 एम्पेयर लेती है या फिर 32 एम्पेयर लेती है, वो आपको पता रहता है। ठीक है, यानी कि मेरी मोटर कितने एम्पेयर पे चलती है। ठीक है, जैसे दोस्तों मेरी मोटर यहाँ पे 30 एम्पेयर पे चलती है। ठीक है, 30 एम्पेयर पे। तो दोस्तों बाय द वे क्या होता है, जब हमारी मोटर 30 एम्पेयर पे चलती है तो कभी कभी दोस्तों हमारे जो कोई कारणवश मिस्टेक होती है, यानी कि लाइन में मिस्टेक हो या मोटर में मिस्टेक हो, तो हमारी जो ये एम्पेयर है दोस्तों वो फर्स्ट गियर में यानी कि स्टार में जब चलती है उस कंडीशन में दोस्तों आपकी 30 से ये 40 एम्पेयर पर जाएगी। और जब डेल्टा में आप इसको कन्वर्ट करते हैं, यानी कि सेकेंड गियर में इसको कन्वर्ट करते हैं, तो ये 40 से सीधा दोस्तों 50-60 के आसपास ही आपकी मोटर एम्पेयर लेगी। तो इस कंडीशन में दोस्तों आपकी मोटर का जलने का नुकसान होता है। तो हम आपको बताते हैं दोस्तों प्रैक्टिकली और डायग्राम दोनों तरह से इसको समझाएंगे कि इसमें होता क्या है। ठीक है, ये कब कब आपका ये दिखाता है। ठीक है, ये कौन सा रोल होता है मोटर के अंदर और स्टार्टर के अंदर। ठीक है, तो आपको बता देता हूँ दोस्तों। जैसे कि दोस्तों मेरे पास में एक स्टार्टर है, ठीक है, थ्री फेस का आपका ये मेरा स्टार्टर हो गया। ठीक है, जिस मोटर में दोस्तों सिंगल वायर निकलते हैं उसमें आपको 6 टर्मिनल मिलते हैं, यानी कि 6 टर्मिनल दोस्तों इस प्रकार से मिलते हैं, 3 और 3 6, जिसमें आपकी मोटर में 2 वायर होते हैं उसमें 3 टर्मिनल और एक्स्ट्रा बढ़ जाते हैं, यानी कुल मिला के 9। ठीक है, यहाँ पे आपका मोटर का वायर कनेक्ट हो गया, यानी कि RYB और BRY। ठीक है, इस प्रकार से एक्सचेंज के रूप में मोटर के कनेक्टर कनेक्शन, और जो ट्रांसफार्मर से जो लाइन आती है ट्रांसफार्मर से वो आती है दोस्तों L1 L2 L3, यानी कि RYB। ठीक है, इस प्रकार से जब आपकी मोटर मतलब ट्रांसफार्मर से लाइन आती है वो कभी कभी दोस्तों मतलब आपके जो फीडर होते हैं वहां से चेंज हो जाती है। तो उस कंडीशन में दोस्तों आपकी यही सिचुएशन होगी, जो आपकी 30 एम्पीयर लेने वाली मोटर स्टार में चलेगी जो 40 लेगी, और डेल्टा में चलेगी जो 50 से 60 लेगी। ठीक है, तो उसमें ये होता है दोस्तों हमारी मोटर चलती तो है लेकिन मतलब हवा वगैरह सब कुछ देती है, पानी भी लेगी या नहीं लेगी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन दोस्तों ये होता है कि हमारी मोटर चलती है। ठीक है, तो ज्यादा देर तक चलेगी दोस्तों उसमें मोटर आपकी जल जाएगी। ठीक है, यानी कि वो एंटी क्लॉकवाइज चलती है। तो इसको क्लॉकवाइज करने के लिए दोस्तों आप जो L1 L3 है इसको आपस में एक्सचेंज कर दो, यानी कि ये वाला ट्रांसफार्मर से 3 लाइन आती है, इसको इस प्रकार से आपने कनेक्ट किया हुआ है तो इसको आप यहां से हटा के और इसको दोस्तों इस प्रकार से यहाँ पे कनेक्शन कर ले। ठीक है, इस प्रकार से यानी कि L1 को आप L3 पे दे दे और L3 को आप L1 पे दे दे। ठीक है, इस प्रकार से आप इसको कनेक्शन करें। ठीक है, ठीक है दोस्तों, इसको हटा के यहाँ पे लगा दो। ठीक है, इस वाले को और इस वाले को यहाँ पे लगा दो, यानी कि बदल दें आप L3 और L1 में आपस में एक्सचेंज कर दें, उस वाले को वहां पे और उस वाले को वहां पे, तो आपकी मोटर प्रॉपर ठीक चलने लग जाएगी। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या होती है, दूसरी कंडीशन दोस्तों आपको प्रैक्टिकली मैं आपको दिखा देता हूँ, एक बार आप प्रैक्टिकली आप देखेंगे तो आपको यकीन हो जाएगा। ठीक है, दूसरी कंडीशन दोस्तों ये होती है जैसे कि दोस्तों मेरी ये समरसेबल हुई। ठीक है, और समरसेबल से दोस्तों हम जो स्टार से चलाते हैं मोटर को तो 30 एम्पीयर लेने वाली मोटर 40 एम्पीयर लेगी, और जब डेल्टा में कन्वर्ट करेंगे यानी कि सेकंड राउंड में आप उसको कन्वर्ट करेंगे तो 50 से 60 यानी कि फुल अक्रॉस कर जाएगी, एम्पीयर की घड़ी को ही
सुई आपकी इस प्रकार से अक्रॉस कर जाएगी, क्रॉस कर जाएगी, तो उस कंडीशन में होता क्या है? उस कंडीशन में दोस्तों ये होता है कि हमारी मोटर जल चुकी है या फिर जाम हो चुकी है, पंप वगैरह बुशावट वगैरह उसका खत्म हो चुका है, यानी कि वो मोटर आपकी चल नहीं रही है प्रॉपर, इसलिए आपकी एम्पेयर ज्यादा ले रही है। और दोस्तों जो आपके फ्यूज वगैरह है उन फ्यूजों को भी आपका वो फ्यूज उड़ा देगी मोटर, ठीक है। तो ये होते हैं दोस्तों मेन कंडीशन, इसमें आपकी मोटर का बहुत ही ज्यादा नुकसान हो चुका होता है, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार से होता है। अब आप एक चीज और समझिए दोस्तों इसमें, जैसे कि दोस्तों आपकी मोटर है जो मतलब उसको किस प्रकार से हम चेक करें, ठीक है, यानी कि मोटर का इस प्रकार से दो वायर निकलते हैं, RYB RYB, ठीक है। इसको दोस्तों सीरीज लैंप की सहायता से या मल्टीमीटर की सहायता से इसमें आप चेक करें, ठीक है। अगर आपकी मोटर सही बोल रही है तो उसको बाहर निकालें और उसके बुश सॉकेट वगैरह उसको रिपेयरिंग करवा लें ताकि आपकी मोटर प्रॉपर ठीक हो जाए, ठीक है। अगर आप सही नहीं बोल रहे तो ये समझे दोस्तों मोटर में और भी ज्यादा नुकसान है, यानी कि मोटर जल चुकी है या फिर आपका कोई जॉइंट वगैरह हो बीच में लाइन में तो वो भी वहां पे पानी वानी से खराब हो चुका है, ठीक है। इस प्रकार से आप चेक करें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही था, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।